place at the right time. Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. When you took my hand, said, let's leave now. Don't wanna be shy. I will let my guard down. Don't wanna. आज सुबह ही सुबह मैंने अपना ढेर सारा काम खत्म किया। आप लोगों के साथ एक YouTube शॉर्ट में मैंने शेयर भी किया और मैं चल पड़ी नर्सरी और मुझे लेने थे कुछ प्लांट्स और अपना जो छत पे पौधे लगे हुए ना उन्हें सही करना था क्योंकि अब आ गया है फरवरी का महीना और इसमें ना अपने गार्डन को हम गर्मियों के लिए तैयार करते हैं। तो मैं कैसे कर रही हूँ तो चलिए उसी के बारे में वीडियो है तो शुरू करते हैं। तो कुछ मुझे पौधों का काम करना है, रिपोर्टिंग करनी है, कुछ कटिंग करनी है, प्रूनिंग करनी है, नए पौधे लगाने हैं, तो मैं नर्सरी में आई हूँ देखने के लिए क्योंकि फरवरी में ना थोड़ा सा ना इनमें कीड़े भी लगते हैं बहुत जल्दी। ये सारे प्लांट्स मैं लेकर आई हूँ, कुछ तो हैं मनी प्लांट इसमें, कुछ हैं इसमें देखिए ये जो पाम होते हैं वो, जो ये सीजनल प्लांट है ना देखो ये ख़राब हो रहे हैं अब कुछ है। ये गमले हैं इनमें कीड़े लग गए हैं, जैसे इसमें ये कीड़ा लगा हुआ है। वैसे तो मैंने इसमें दवाई डाल दी थी तो अब ये सही हो रहा है। हर पौधे की जो कंडीशन होती है धूप हवा और जगह के अकॉर्डिंग अलग होती है, तो आप जब भी पौधे लेने जाएं अपनी इन कंडीशंस को दिमाग में रखकर ही पौधे लें। ऐसा ना हो कि बस हम पहुंच गए नर्सरी और जो हमें अच्छा लग रहा है वो हम ले लेंगे। तो अगर आपके घर तेज धूप आती है तो धूप वाले पौधे लीजिए, वरना आप ऐसे पौधे लीजिए कम धूप वाले, मतलब अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और मैं क्या कर रही हूँ, अब ये सारे प्लांट जितने भी प्लांटर्स हैं ना इनको खाली कर रही हूँ क्योंकि जो इनकी जड़ें होती हैं इन पौधों की इसमें रह जाती हैं और अगर हम नया पौधा लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा सरवाइव नहीं कर पाता है। देखो ये मिट्टी मैंने सारे गमलों की निकाल ली है, गमले खाली हो गए हैं, तो देखो सारे तैयारी करके मैंने रख ली है। अब ये ना बढ़िया मिट्टी है, इसमें वर्मी कंपोस्ट मिली हुई है, पहले इसमें मैंने कोकोपीट मिला रखी थी, तो इसमें थोड़ा सा मैंने फंजीसाइड भी डाला हुआ था पहले इस वाली मिट्टी में। अब मैं क्या करूंगी, इस मिट्टी में मिला लूंगी जो है थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि पानी लग लग के सब जो है मिट्टी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है, उसकी जो ताकत होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसमें ये सब मिक्स करूँगी और फिर लगाऊंगी ये सारे प्लांट्स। गार्डनिंग का शौक होने की वजह से मेरे पास लगभग हर तरीके के प्लांटर्स यानी कि गमले हैं और ये हैं सीमेंट के गमले जो कि खराब हो जाते हैं हर साल और इन्हें पेंट की ज़रूरत पड़ती है और इनमें पेंट करने के लिए जो दीवारों पर कलर होता है वॉल पेंट जो होता है उसमें मैं बगैर पानी डाले डायरेक्टली या बहुत कम पानी डाल के इन गमलों पर पेंट कर देती हूँ और अपने मन चाहे कलर का कोड मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसी तरीके से साल में एक या दो बार जितना भी डेकोरेशन का सामान होता है ना बालकनी में बाहर उसको मैं एक बार फिर से पेंट कर देती हूं। और इन सारे सामान के ऊपर ना आप वार्निश लगाना मत भूलिएगा, इससे पेंट हमेशा चलते हैं। और ये वो देखिए वो छोटे छोटे गमले हैं जो कि जब हम पौधे लेकर आते हैं तो उसके साथ आते हैं ब्लैक कलर के, तो मैंने इनको पेंट करके कुछ इस तरह से लगाया, मतलब ये एक पुराना वीडियो में से मैं आपको बता रही हूं। तो ये बहुत काम के होते हैं, किसी भी गमले को प्लांटर को आप मत फेंकिए। और जो ये मेटल के प्लांटर्स होते हैं ना इनके ऊपर ऑयल पेंट करिए और हर कलर का एक टिंट आता है तो सफ़ेद ऑयल पेंट में उस कलर को मिक्स करके उसकी कुछ ड्रॉप्स मिक्स करके आप इसे पेंट कर लीजिए। और जब कभी भी आप प्लांटर्स को पेंट करें तो कलर का खास ख्याल रखिए। और कई बार जब हम सेम कलर से इनको पेंट करके किसी भी जगह पर रखते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही सुंदर लगते हैं और इनके ऊपर रखे हुए कोई भी प्लांटर्स जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट यानी कि अलग लगते हैं। और अगर आप कुछ ऐसे प्लांटर्स तलाश रहे हैं जो बिल्कुल भी ख़राब ना हो सालों साल चलें तो सबसे अच्छे होते हैं ये सिरेमिक के गमले। इनका जो कलर होता है धूप में आप इन्हें कितना भी रखिए खराब नहीं होता है, बस ये अगर मतलब ये क्योंकि सिरेमिक के होते हैं तो बस इनके टूटने का डर होता है। और मैं ज़्यादातर यही सारे प्लांटर्स लेती हूँ, दिखने में अच्छे लगते हैं और इनका प्राइस भी जो फाइबर के होते हैं या जो बड़े वाले सीमेंट पॉट होते हैं उनसे कम होता है और इनकी बहुत सारी वैरायटी आती है तो इसमें आपको बहुत अच्छी चॉइस मिल जाती है। तो अगर आप फरवरी में कुछ नया अपने गार्डन को लुक देना चाहते हैं तो एक कलर थीम या एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ना ये सिरेमिक के प्लांटर्स जरूर ट्राई करिए। और सेम कलर के प्लांटर्स में मैं लगा रही हूँ छोटे वाले ये पाम के प्लांट्स।
वो पाम वाले तो पौधे लग गए हैं और अब बारी है इन मनी प्लांट्स की। और अब मैं ना अच्छे वाले प्लांटर्स में लगा रही हूँ मनी प्लांट। देखो कितने सुंदर सुंदर हैं, इस टाइम बड़े अच्छे मिल जाते हैं। और अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं किसी भी प्लांट की तो ये सबसे अच्छा टाइम है। और अगर आप पूछोगे कौन से प्लांट की कटिंग लगती है किसकी नहीं लगती है, तो सबकी ट्राई करो एक एक बार लगा के, 70% प्लांट्स की जो है ना कटिंग चल जाती है। तो मनी प्लांट तो मैं अच्छे सुंदर प्लांटर्स में इसलिए भी लगाती हूँ कि जब इन्हें अंदर रखती हूँ ना तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि इंडोर है, आप अंदर भी रख सकते हो। देखो ये चिकनी वाली मिट्टी है ना, इसे बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि इससे ना जड़ें फैलती नहीं है। ये इतनी चिपकनी होती है ना, इतनी चिपकती है कि जड़ें फैल नहीं पाती और आपका पौधा ना सूख जाता है। तो आपको लगेगा कि आप खाद भी डाल रहे हो, प्रॉपर केयर भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी पौधा नहीं बढ़ रहा। उसकी वजह केवल उसकी रूट्स होती हैं। तो रूट्स कभी कभी चिपक जाती हैं, बाउंड हो जाती हैं गमले में, तो उनको सही कर लीजिए। और वैसे भी ये परफेक्ट टाइम है कि अगर आपको गमले चेंज करने हैं ना कुछ भी, तो कर लीजिए। हाँ मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं ना, वैसे ग्लव्स मेरे रखे रहते हैं, लेकिन आज ज़्यादा काम था, मुझे लग रहा था कि नहीं आज ऐसे ही कर देती हूँ। मैंने करण को बार बार जो है बुला रही हूँ कि करण जरा कैमरा चलाना बंद करना। मैंने सारे जितने भी पौधे लाई थी ना, कम से कम 20-30 पौधे थे, सारे लगा दिए। कुछ जो है कटिंग लगाई है, देखो ये सब कटिंग लगा दी है मैंने इसमें, और मनी प्लांट हो गए, कटिंग हो गई, और कुछ और कटिंग लगाई है। अभी यहाँ से ये सारा क्लीन करेंगे फिर आगे बात करेंगे। इस मिट्टी को मैं भर के रख दे रही हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इन प्लांट्स प्लांटर स्टैंड को लेकर। ये मेटल के हैं, मैंने करीब 4 साल पहले खरीदे थे, बहुत बढ़िया चलते हैं, बस इनको हर साल मैं कलर कर लेती हूँ। तो देखिए ये वाइट कलर का ऑयल पेंट था, इसमें मैंने ग्रीन कलर का मिलाया टिंट, तो ये एक मिंट ग्रीन टाइप का कलर बन गया और मैंने इसी से पेंट कर दिए थे आज से 2 साल पहले। बहुत अच्छा ये कलर लगता था। तो बस जो इनको हमें केयर करनी है वो पेंट को लेकर करनी है, क्योंकि बारिश के मौसम में इनमें थोड़ी सी जंग लग जाती है और ये खराब हो जाते हैं। और अगर आपको लगता है जंग लगी है तो इस पर एक मेटल का प्राइमर आता है, वो लगाइए। और देखिए पहले भी मैंने ये वाला जो मेटल स्टैंड है मैं पेंट कर रही हूँ, ये पुरानी क्लिप आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने बनवाया था। मैंने जो ये लोहे के पाइप्स आते हैं इनको मैंने ले लिया था, सरिया इन्हें बोलते हैं, और फिर मैंने इनको इनसे बनवाया था, तो ये काफ़ी सस्ता पड़ा था। वैसे अगर आप इन्हें बने बनाए लेते हैं तो थोड़े से महंगे ये पड़ते हैं। और एक जो आज मैंने इसे मतलब पेंट किया, ये मैंने स्प्रे पेंट से कर दिया है पेंट, क्योंकि थोड़ी सी जल्दी थी और मुझे सिर्फ एक ही स्टैंड पेंट करना था, लेकिन अभी मैं सारे ही स्टैंड पेंट करूंगी। तो ये ब्लैक कलर में मैंने पेंट कर दिया। और इसी तरीके से जो पुराने जो गमले वगैरह थे, हैंगिंग प्लांटर्स थे, उन पे भी मैंने स्प्रे पेंट से पेंट कर दिया, बिल्कुल नए हो गए। यानी फरवरी जब आए या मौसम जब भी बदले तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें कि पुरानी चीज़ों को हम नया कर दें। अगर किसी भी लोहे के सामान में जंग लग रही है तो उस पर पेंट करने से पहले अच्छी तरह से पेपर से उसको रगड़ लीजिए, उसके बाद लगाइए मेटल प्राइमर और फिर इस पे पेंट करिए। ये चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, बस आप जरा सा पेंट या कलर करेंगे ना तो सारी चीजें नई हो जाएंगी। और अब जो है ना, मैंने सारे प्लांट्स लगा लिए थे। नेक्स्ट डे मुझे करना था यहाँ का काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब इसमें करनी थी। और सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी कि मुझे यहाँ पे एक पानी का पॉइंट चाहिए था, तो मैंने प्लम्बर को बुलाया। और वैसे भी मुझे अब घर में ना डिशवॉशर लगवाना है, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा काम करना था। तो देखिए शुरू हो गया काम और छत कितनी फैली हुई है। रहने दे बेटा, अब नहीं है तो। जो मेरा ये आउटडोर वाला एरिया है ना, समर्स में यहाँ पे बहुत तेज हवा आती है, तो मैं यहाँ पे चिक वगैरह हैंग कर देती हूँ, लेकिन बारिश में मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं यहाँ पे कुछ हैवी कर्टेंस लगा दूँ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो कर्टेन रॉड होती है वो लगवाई, और इसी के साथ साथ यहाँ पे बाहर कोई भी एक सॉकेट नहीं है जिसकी वजह से दिवाली की लाइट या कुछ भी अगर हम काम करें यहाँ बैठ के तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुला के उनसे भी काम करवा लिया, यानी यहाँ पे एक सॉकेट लगवा लिया। देखिए कितने ढेर सारे काम आज के दिन में हो रहे हैं।
और जब सब चले गए ना तो हुई ढेर सारी गंदगी। अब इसको क्लीन करना था, थोड़ा सा नया यहाँ पे पॉइंट लगा है तो उन्होंने बोला था नल को चला के रखने की ताकि जो भी सैंड वगैरह हो वो इसमें से निकल जाए। तो मैंने करी सारी सफाई, बहुत पूरा दिन बीत गया था और फिर मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देती हूँ, तो अपनी सारी चीज़ें मैंने कुछ इस तरह से लगा दी। आजकल का मौसम इतना अच्छा होता है कि अगर हल्के से कर्टेंस डल जाएं तो वहाँ पे बैठ के ना बालकनी में आउटडोर में बैठ के काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैंने अपने ये बिल्कुल हल्के से कॉटन के कर्टेंस निकाले, सोचा कि कुछ दिन इन्हें हैंग करूँगी और उसके बाद कुछ हैवी कर्टेंस लगा दूँगी। तो मैंने बिल्कुल मेज़र करके जितनी भी हाइट थी तो उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे हैंग किए। और इस टाइम ना यहाँ पे करीब 12 बजे के करीब बहुत तेज़ धूप आती है तो मैंने सोचा कि हैंग करते हैं, लेकिन जब हैंग किया तो इतनी तेज यहाँ पर धूप थी कि मुझे दिखा मतलब बहुत तेज उजाला आया, जिसकी वजह से हैंग करने के बाद ना मैंने इन कर्टेंस को यहाँ से हटा दिया और दूसरे हैवी कर्टेंस यहाँ पे लगा दिए। जो मैंने दूसरे वाले कर्टेंस की हाइट कम करी ना तो वो यहीं बैठ के करी, कितना आराम हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक बिजली का पॉइंट भी आ गया और इसके साथ साथ ना क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था, साफ सफाई हो गई थी, सब चेंज हो गया था, तो मुझे इसीलिए ना ये महीना पसंद है। और देखिए ये हैं कुछ बॉटल्स जो कि पानी बिल्कुल ज़रूर चाहिए, स्प्रे बॉटल्स हैं ये। तो ये तो देखो एक मैंने ली है, मेरे नीचे भी एक गार्डन है वहाँ के लिए, ये मैंने नई ली है, अमेज़ॉन से ली थी। और एक बिल्कुल बेसिक मेरे पास ये वाली है, मुझे बहुत अच्छी लगती है इस टाइप की, जो सिंपल चीज़ें होती हैं ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं। तो ये मैं लोकल मार्केट से ही लेकर आ जाती हूँ, करीब 180 रुपीज़ की ये पड़ती है एक बॉटल और इसके साथ एक वॉशर आता है। तो अब गर्मियों में ना पौधों को छिड़काव ज़रूर चाहिए, और क्योंकि बाहर धूप तेज़ है और मतलब जितने भी ये प्लांट्स हैं बाहर रखे हैं तो इन्हें स्प्रे ज़रूर करना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि अगर आप रेगुलर स्प्रे करेंगे ना तो पौधे आपके बहुत लंबे चलते हैं, जो धूल की एक लेयर होती है ना उससे थोड़ा सा पौधे को भी दिक्कत होती है, हम इंसानों को तो होती है लेकिन उनको भी परेशानी होती है। और इसके अलावा ये कुछ टूल्स हैं जो कि गार्डनिंग में ज़रूरी होते हैं। ये तो देखिए स्प्रे की के लिए ना पाइप में लगाने वाला, ये तो मुझे चाहिए ही था, तो ये मैंने एक्चुअली नीचे के लिए लिया है एक पाइप का, इसी को मैं ऊपर ले लिया करूँगी। और इसके अलावा जैसे खुरपी हुई, कटर्स हुए, ये तो नीचे रहता है ये वाला कटर मेरा, क्योंकि नीचे भी पौधे हैं, और एक कटर मैं रखूँगी ऊपर। तो इस तरह से कुछ चीज़ें ये मेरी अलग रहती हैं बास्केट में जो कि मैं अपने गार्डनिंग के काम के लिए बनाती हूँ। और ये वाला बहुत अच्छा है, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है और ये इसका प्राइस अब मुझे नहीं याद है। और इसके अलावा कुछ जो मतलब फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो कीड़े मारने की दवाएं होती हैं, वो सब भी मैं रखती हूँ। तो इन सब के ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, जैसे कभी कभी जैसे मिट्टी ख़राब हो जाती है उसे सही करने के लिए, या देखिए ये एक कंसनट्रेट आता है ये बहुत अच्छा होता है, इसे बिल्कुल थोड़े से इसकी कुछ ड्रॉप्स पानी में मिला के हम देते हैं। और इसके साथ एक दूसरा आता है जो कि मैं केवल यूज़ करती हूँ, जो बैम्बू ट्री होता है या पाम ट्री होता है उसके लिए। तो जैसे ये हमारे जो पाम के पौधे होते हैं उसके लिए अलग लेती हूँ हमेशा से, बहुत अच्छे चलते हैं मेरे पाम के पौधे। और जो लकी बैम्बू हम घर में रखते हैं उसका एक स्प्रे ये भी आता है, बहुत अच्छा है। इससे बस हमें क्या करना होता है, बैम्बू को स्प्रे करना रहता है। आप देखिएगा कि जाड़ों में भी जो आपका लकी बैम्बू है वो ख़राब इससे नहीं होगा। और ये हैं कुछ स्टिक्स, फर्टिलाइज़र स्टिक्स, ये बहुत अच्छी रहती हैं जो घर के इंडोर प्लांट्स होते हैं ना छोटे, उनमें मैं इनको यूज़ करती हूँ, काफ़ी सही चलती हैं ये। तो जैसे लिली का प्लांट हुआ, पीस लिली का, या जो भी जीजी प्लांट हुआ, छोटे वाले पाम हुए, तो जो भी एग्लोनेमा हुआ, उन सब में मैं इसी को लगा देती हूँ, बढ़िया चीज़ है। घर में क्योंकि 3 गार्डन हैं तो मैंने काम शुरू किया फरवरी में, जो करती हूँ मैं मौसम बदलने पर अपने छत वाली जगह से, तो इसको मैंने कर लिया, बड़ा सुंदर लगा, बड़ा पीसफुल लगा, यहाँ बैठ के अब जो है काफ़ी काम हो जाएगा। तो ये रेडी हो गया और मैं आपको बताती हूँ कि रात में ये कैसा लगा। तो देखिए कितना बढ़िया लगा ये रात में, और यहाँ मैं और करण काफ़ी देर तक बैठे रहे। बस अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो लाइट का सिस्टम है और अच्छा करूँगी, अभी तो मुझे यहाँ पर बहुत सूदिंग लाइट चाहिए थी।
तो यही था मेरा दोस्तों आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।